बिग बॉस के घर में जहां हम विवाद और लड़ाइयां देखते हैं, वहीं इस बार कुछ नया देखने को मिला। बिग बॉस के शो में दोस्ती की नई नई मिसालें भी देखने को मिली, और ये मिसाल थी कि क्या कोई गेम में अपने दोस्त को नॉमिनेशन से बचाने के लिए गंजा भी हो सकता है। आइए देखते हैं किसने दी ये कुर्बानी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए बिग बॉस की हर लेटेस्ट खबर। टीवी के सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 11 अब हर रोज कंटेस्टेंट के लिए नई चुनौती लेकर आने लगा है। 13 नवंबर को बिग बॉस में इस हफ्ते की नॉमिनेशन प्रक्रिया हुई। प्रक्रिया के लिए गार्डन एरिया में एक टेलीफोन बूथ का सेटअप बनाया गया। इस प्रक्रिया में खुद को सेव करने के लिए नॉमिनेटेड सदस्यों को अपने दोस्तों की मदद लेनी थी, जिससे वह नॉमिनेट होने से बच सकते हैं। शो में दोस्ती की नई नई मिसालें भी देखने को मिली, और यह मिसाल थी कि क्या कोई गेम में अपने दोस्त को नॉमिनेशन से बचाने के लिए गंजा भी हो सकता है। जी हाँ, शो में प्रियांक अपनी दोस्ती को साबित करने के लिए अपने खूबसूरत बालों की बलि दे देते हैं। हीना तो खुद की वजह से ही नॉमिनेशन में फंसती नजर आई। फोन की घंटी बजते ही वह सबसे पहले भागकर बूथ पर पहुंची और जाकर फोन उठा लेती हैं, जिसके बाद उन्हें बिग बॉस नॉमिनेट कर देंगे। हीना को खुद को बचाने के लिए अपने दोस्त लव त्यागी की मदद लेनी है। लव हीना के लिए सपना चौधरी के हाथों मेहंदी से अपने माथे पर जीरो लिखवाते दिखेंगे। हितेन के लिए गंजे हुए प्रियांक। वहीं खबरों के मुताबिक हितेन तेजवानी को खुद को बचाने के लिए प्रियांक शर्मा से अपने बालों की कुर्बानी देने के लिए मनाने को कहा गया। जैसे हितेन ने प्रियांक से बालों को शेव कराने के लिए कहा, वैसे ही प्रियांक ने हामी भर दी। हितेन को बचाने के लिए प्रियांक हीना के हाथों गंजे हो गए। ऐसे ही बिग बॉस के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और देखते रहिए अराइव 24 न्यूज़।